खबर सहरसा से आ रही है, जहां अपराधियों की गोली से घायल पंचायत के पंच की इलाज के दौरान मौत हो गई। पंच की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को रखकर सड़क जाम किया और मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सोनवर्षा कचहरी ओपी क्षेत्र के दिवारी नहर के पास बीते दिनों बदमाशों ने बंटी सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल पंच को आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बंटे सिंह की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और थाना चौक के पास सड़क जाम कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग हत्यारों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और पुलिस ने जाम को खत्म कराते हुए परिचालन को सामान्य कराया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में छानबीन जुट गई है। ये परसों एक घटना घटी थी गोली मारने की। लक्ष्मण सिंह एक पंच थे, उनको गोली लगी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं उनके परिजन एक ग्रामीणों द्वारा रोड जाम किया गया, कुछ मुआवजे के लेकर किया गया था। लोगों को समझा बुझा के रोड जाम कराया गया है, गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। बहुत जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जो मुआवजा का प्रावधान वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके मुआवजा देना। सर गोली मारने का मुख्य कारण क्या था? वो आपसी विवाद वगैरह कुछ हुआ तो लोग साथ में बैठे, कुछ विवाद हुआ था इसी कारण।